सीबीआई ऑफिस से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज रिया के पेरेंट्स जो अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं, उनसे नुपुर प्रसाद ने एक सवाल किया और इस सवाल पर रिया की मदर जो हैं वो थोड़ा नाराज़ हो गई और उन्होंने जो जवाब दिया उसको देखते हुए नुपुर ने भी उन्हें करारा जवाब दे दिया। क्या था वो सवाल, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पाक को बताऊंगी। कल जो है उनकी लगभग जो जांच चली उसमें उनसे पूछा गया कि रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस था कि सुशांत और रिया का रिलेशन कैसा था, कब पहली बार मिले, रिया कब शिफ्ट हुई उसके घर में, अभी जब वापस आई तो क्या वो सैड थी, क्या उसने नंबर ब्लॉक कर दिया था, उसने जिक्र किया था कि सुशांत को वो छोड़कर आ गई है, उसने जिक्र किया कि सुशांत जो है उसने उसको एक बार भी फ़ोन करके वापस आने को नहीं कहा, ये सारी चीज़ों पर जिस तरह के दावे जो रिया ने किए थे। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात जो आज हुई है, आज जो है खबर आ रही है वो ये है कि आज जब ड्रग एंगल पर बातचीत चल रही थी तो नुपुर प्रसाद ने रिया की मदर से पूछा, संध्या जी से, कि आप ये बताइए कि आपकी बेटी जो है क्या ड्रग लेती है, अब क्यों, तो वो कहती हैं कि नहीं, मेरी बेटी कोई ड्रग नहीं लेती है, उसका नाम ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है। जिस पर नुपुर ने उन्हें करारा जवाब दिया, तो क्या वो सारी चैट मैंने टाइप की है? जी हाँ, कुछ इस तरीके से जो है आज सीबीआई दफ्तर में जांच हुई और उनसे पूछा गया कि क्या आपकी बेटी ड्रग लेती है। तो सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये है कि आज ड्रग एंगल पर जब जांच की जा रही थी, बार बार ये सवाल किया गया और उनको कहा गया कि आपको पता है कि आपके बेटे ने आपके हस्बैंड के लिए भी ड्रग्स मंगवाई हैं, तो उन्होंने कहा मुझे ये बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जब बेटी की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें गलत है, मेरी बेटी इस तरह से कोई ड्रग नहीं लेती है। तो नुपुर प्रसाद ने कहा, तो क्या वो सारी चैट्स मैंने टाइप की हैं जो ईडी को मिली हैं, वो क्या हमने अपने लिए मंगवाई थी ड्रग्स? तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो है आज जो एंगल था वो ड्रग का एंगल था और ड्रग पर ही बात की जा रही थी। और उस पर जो है जब संध्या चक्रवर्ती यानी कि रिया की मदर ने इस तरह का जवाब दिया तो नुपुर प्रसाद ने उन्हें जो है करारा जवाब दिया कि ऐसा मत कहिए, आपकी बेटी के फ़ोन से जो चैट मिली है उसके बारे में ही बात हो रही है, तो आप बताइए कि आपको क्या क्या पता है और कितना पता है। फाइनेंशियल एंगल को लेकर भी कल जांच हुई कि क्यों कंपनी का एड्रेस जो है वो जो नवी मुंबई वाला घर है इंद्रजीत चक्रवर्ती का उसके नाम पर है, ऐसा क्यों किया गया, इन सारी चीज़ों को लेकर भी जो है बयान दर्ज किया गया। लेकिन ड्रग के एंगल पर जो है रिया का परिवार ये बात मानने को तैयार नहीं कि रिया किसी तरह का जो है कोई ड्रग का सेवन किया करती थी।